नूह अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष की मेहनत से लोगों को जेजीपी पार्टी में शामिल होने पर मोहसिन चौधरी ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। जननायक जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की जिला कार्यकारिणी नूह की बैठक पार्टी के नूह स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस मीटिंग में अल्पसंख्यक संयोजक जिलाध्यक्ष हाजी सिरजाउद्दीन सिराज का रहा। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों को संबोधित करते हुए मोहसिन ने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की विकासशील सोच का ही परिणाम है कि प्रदेश में युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ा निवेश ग्राम पंचायतों को खाद व आपूर्ति विभाग में डिजिटल राशन वितरण, प्रदेश में रिकॉर्ड सड़क निर्माण आदि ऐसे निर्णय हैं जिनसे सभी वर्गों का उत्थान हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नूह से राजस्थान बॉर्डर तक 4 लाइन जो मेवात की बहुत बड़ी मांग थी, पीने के पानी के करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं को अमलीजामा पहनाया। उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठ के हल्का स्तर की नियुक्तियां जल्द की जाएगी, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप बैठक में संगठन विस्तार के लिए दिए अहम सुझावों पर गहनता पूर्वक विचार किया गया। बैठक में जननायक जनता पार्टी के प्रभारी पूर्व मंत्री आजाद मोहम्मद चौधरी, बद्रुद्दीन अडंबर पूर्व चेयरमैन एवं समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो मेरे से एक कि किसान भाई ये बताते हैं, अब जैसे कनक की फसल आई थी मार्केट, किसी की पेमेंट में देरी हुई, किसी को लाइन में खड़ा होना पड़ा, तो किसी को भी किस तरह की कोई असुविधा का सामना रखा। और सभी किसान साथियों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज जैसे कांग्रेस के लोग किसान आंदोलन में आए हैं, उनके बहकावे में आकर के कोई ऐसी बात ना करेंगे। देखियो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने आज जो किसानों के लिए किया है, पूरा प्रदेश है, फसलों के वाजिब दाम उन्होंने दिए, MSP पे फसलें खरीदी गई, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रदेश सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात हुई। रही बात MSP पे कानून बनाने की, वो दूसरी बात है, सारी की सारी सरकार की है, जबकि वो अभी लागू भी नहीं हुआ है, वो तो पेंडिंग है अभी, तो कोई ऐसी बात ये समझा जाए कि भाई कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है किसानों का। जहाँ तक मेरा एक निजी सोच है तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस का ही एक सवाल आपने उठाया कि जो कांग्रेस, ये तो आपके सामने नहीं, इससे बेहतर आप जानते हैं, फोर लेनिंग की बात है, फोर लेनिंग की स्वीकृति किसने दी, किसने किसके सिग्नेचर है। लेकिन मेवात के लोग बहुत भोले वाले हैं, बीच में जाकर के कहते हैं कि मैंने करा दिया, ये बहुत पहले से, ये सालों से चली आ रही मेवात की मांग थी, जो हमारे भाई और बहुत ही संघर्षशील हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने मेवात के लोगों की समस्याओं को देखते हुए इस फोन लेने की घोषणा करती थी। नई बात उसकी कि कोई भी बोलती तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं। तो आप दावा कर रहे थे कि सड़कों का जाल प्रदेश में बिछा है, बिल्कुल आप देख लीजिए राज ठाकर के, ये तो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, आप देखिएगा कितनी सड़कें प्रदेश में बनी हैं, करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट लगने जा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि भाई दुष्यंत जी तो भाई घोषणाएं करते हैं, नगीना उपमंडल आज भी उपमंडल नहीं बना, घोषणा कर दी इस तरह की, तो इसमें कितनी सच्चाई। 22 नवंबर को बड़कली चौक पे दुष्यंत चौटाला जी पहुंचे थे, आपने नगीना की बात की, नगीना में पानी की कितनी समस्या, आप वहाँ पे करोड़ों रुपया वहाँ पे राजदीप सिंह चौटाला जी ने दिया, वहाँ पे वादा भी किया था फोर लेनिंग का, वो भी पूरा किया है। प्रदेश में इलेक्शन से पहले उन्होंने वादा किया था पेंशन का, पेंशन भी दी है, 75% आरक्षण की बात की थी युवाओं में नौकरियों की, उन्होंने वो भी दी है। और ये बात विरोधियों की, उनको कर दो, हमें तो अपना काम करना है, अपने हमें तो लोगों के बीच में जाकर के अपना काम करना है, हम उनकी चिंता नहीं करते हम क्या करें। विरोधी तो कहेंगे, विरोधी ने तो पहले भी कहा है, हम भी कह रहे हैं, बातों भी कहेंगे, तो हम नहीं उनकी चिंता। तो बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की कमेटियां गठित करने का, जी हाँ, किस तरह से करेंगे? हम माइनॉरिटी वीक हैं, तो उसमें एक एक बूथ पे माइनॉरिटी के 5-5 सदस्य हम बनाएंगे, ताकि संगठन ज्यादा मजबूती के साथ में,
मेरी परसों सिरसा में मीटिंग थी, हजार लोग मारे, तो मैं भी माइनॉरिटी समाज के लोगों से ही कहना आज अपने हितेशी को पहचानने की, और ये पहचानने की जरूरत है कि आप लोगों के लिए किसने किया और आगे क्या। हम प्रदेश के माइनॉरिटी समाज के लोगों के लिए एक अपील मेरी खासतौर से है कि आज दुष्यंत चौटाला जी के काम को देखें, हम ऐसे नहीं बात करते हैं, हमें कोई जितना काम सिरसा में हो रहा है जितना काम बिहार में, जितना काम अंबाला में हो रहा है उतना ही विकास का काम आपके बिहार में, कोई सोतला व्यवहार नहीं। समान नजरों से, आपसी भाईचारे से, आपसी मोहब्बत से हमारे भाई कुशल चौटाला जी सबको साथ लेकर चलिए, सबका विकास करें, सबका सम्मान। भाऊ देवीलाल मेवात को अपना घर मानते कहते कि भाई मेरा घर है, तो अब लग रहा है कि इसमें दूरी आ रही है, क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगा, लोग कहते हैं अब कोई बात है कि विरोधी के पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला दूसरा घर मेवात को मानते हैं, वही बात भाई दुष्यंत की। भाई दुष्यंत अभी 24 तारीख को यहाँ पे आए और ईद और शिवरात्रि मिलन का एक समारोह था उसमें पहुंचे, वो मंदिर में भी गए, उन्होंने ईद मिलन भी मनाया, उन्होंने शिवरात्रि भी मनाया, और वो तो खुद कहते हैं कि मैं बाद में आकर मुझे बड़ी खुशी प्रसन्नता हो रही है और काम आप लोगों के सामने ही विकास के।